नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहे। 18 नहीं 21 लड़कियों की शादी की उम्र सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने की मांग की है। याचिका में उन्होंने सरकार को भी पार्टी बनाया और कहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की कम उम्र सीमा रखना संविधान से मिले समानता, स्वतंत्रता और गरिमामय जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इमरान खान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की विधानसभा पहुंचे। एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया और भारत के खिलाफ बोले। यह सदन को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा है कि मैंने कश्मीर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सच को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ कश्मीर का रूप बदलने वाले नहीं है, हमें रिपोर्ट मिली है कि ये पीओके में भी आ सकते हैं। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर गिराए जाने पर राजनीति तेज हो गई है। इस मसले पर ट्वीट करके बहुजन समाजवादी प्रमुख सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जमीन केंद्र के अधीन आती है, ऐसे में मंदिर गिराए जाने में हमारी सरकार का कोई हाथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वामित्व वाली सभी बसों में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सेवा देने की घोषणा की है। हाल ही में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है, मैं राज्य के नागरिकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस त्यौहार पर राज्य सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा का निर्देश दिया है। अयोध्या के विवादित स्थल पर साल 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले पर यूपी की योगी सरकार ट्रायल कोर्ट में फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की चुनौती देगी। इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी। यूपी सरकार अपील में दोषी किए गए 4 आतंकियों को उम्र कैद की सजा को फांसी में तब्दील किए जाने और सबूतों के अभाव में बरी हुए मोहम्मद आजीम नाम की एक अपराधी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर में मार्च 2020 से पहले विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 7 नए विधानसभा सीटों का गठन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इस पर एक इंटरनल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले पर गृह मंत्रालय से भी बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्वाचन आयोग को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के मुताबिक परिसीमन के लिए औपचारिक रूप से अभी तक पत्र नहीं लिखा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 60 के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है, कोई एंटी नेशनल कहे फर्क नहीं पड़ता है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों को लेकर के सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है तो उसे एंटी नेशनल कह दिया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार कांड के मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय करते हुए कहा है कि भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप शेखर और उनके सहयोगियों को उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता को चुप कराने के लिए आपराधिक साजिश रची है ताकि वह शिकायत पर आगे नहीं बढ़ सके। ऑटो सेक्टर को लेकर के बुरी खबर आई है। वाहनों की बिक्री से पिछले महीने करीबन 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई महीने में हुई यह गिरावट पिछले 19 वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गिरावट करीबन 19% तक पहुंच गई है। त्योहारी मौसमों में वाहनों की कम बिक्री से इंडस्ट्री में मंदी की आहट सुनाई दे रही है।